मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल तक हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी एग्जांपल्स से हम अपने देखे। अब नेक्स्ट है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट ये दूसरा सेक्शन है, कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन्हीं में अगर इंटरजेक्शन करना है तो रहा है, रही है, रहेगी। अगर आपको वाक्य में देखने, सुनने, पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि कोई क्रिया है जो अभी के टाइम में चल रही है वो कंटिन्यूटी में चल रही है, मतलब रहा है, रही है, रहे, ये से आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान काल का सेंटेंस है और रहा है, रही है, रहे है, मतलब कंटिन्यूटी में कोई भी चीज चल रही है, तो उसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी वो होती है इज, एम, आर, ठीक है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब कंफ्यूजन ये है कि इज, एम, आर किस किस के साथ में लगता है, तो ये ग्रुपिंग है ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर पर्सन है, अगर किसी का नाम श्याम, सीता, गीता, कोई भी हर कोई भी नाम आता है तो उनके साथ में सबके साथ में क्या आएगा, इज। वी, यू, दे और प्लूरल फॉर्म में अगर कोई चीज है नेगेटिव सेंटेंस जो है इसका बनेगा,
क्वेश्चन मार्क आपको लगाना असेंशियल है। ठीक है, तो ये आपको तीनों मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए, साथ में एग्जांपल में आप कैसे बनता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रांसलेट करने के लिए आएंगे तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, क्या रिकमेंडेशन होती है, ये पूरा आपने बता दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।
दिवाली या ईद, ऐसा कोई डेट दे रखा हो वहां पे आपको सिंस यूज करना है, कोई डेफिनेट डे हो तो। और यदि दे रखा हो कि टू ओवर इवनिंग मॉर्निंग, ऐसी कोई चीज दे रखी हो जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि इतने समय की कौन सी इवनिंग कौन सी मॉर्निंग या फिर दो घंटे सुबह के हैं शाम के हैं, इनडेफिनेट टाइम अगर कहीं दे रखा है तो आपको फोर यूज करना है, और कोई डेफिनेट टाइम है तो आपको सिंस यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। आप मैं 1999 से इंदौर में19